नमस्कार, जेके आईटी निम्बाहेड़ा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग और अग्निशामक यंत्र। आग को किस प्रकार बुझाया जा सकता है, आग कैसे लगती है और उसको बुझाने के लिए किस किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आग किसे कहते हैं? आग तीन प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनी होती है, ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन। ये तीनों तत्व यदि किसी एक स्थान पर सम्मिलित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो आग लग जाती है। और इन तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व को यदि हटा दिया जाता है तो आग बुझ जाती है, आग के ऊपर आसानी से काबू पाया जा सकता है। तो इस आग को जो है विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए, आग कितने प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया, देखिए, ए प्रकार की आग, बी प्रकार की आग और सी प्रकार की और डी प्रकार की आग। आग को चार भागों में बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। ए प्रकार की आग के अंदर समस्त ठोस पदार्थों से लगी हुई आग में शामिल करते हैं। ठोस पदार्थों के अंदर पेपर, लकड़ी, कपड़ा इत्यादि से लगी हुई आग को ए प्रकार की आग में शामिल करते हैं। बी प्रकार की आग समस्त लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि से लगी हुई आग को बी प्रकार की आग में शामिल करते हैं। सी प्रकार की आग समस्त गैसों से लगी हुई आग को जो है हम सी प्रकार की आग में शामिल करते हैं। डी प्रकार की आग यानी इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को हम डी प्रकार की श्रेणी में रखते हैं। इन सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए किन किन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो देखिए, टाइप्स यानी कि वाटर प्रकार का एक्सटिंग्विशर, फोम प्रकार का एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर टाइप का एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का एक्सटिंग्विशर CO2। इन समस्त प्रकार के एक्सटिंग्विशर उपलब्ध होते हैं, इनके द्वारा किस प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका वाटर प्रकार का एक्सटिंग्विशर। वाटर प्रकार के एक्सटिंग्विशर के अंदर दबाव के साथ पानी भरा होता है और जब इसके वाल्व को खोला जाता है तब बोछार के रूप में पानी बाहर आता है। तो वाटर प्रकार के एक्सटिंग्विशर पर रेड कलर होता है, यानी कि रेड कलर का एक्सटिंग्विशर काम में लेते हैं और इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर के द्वारा सिर्फ ए प्रकार की आग को ही बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर येलो कलर का होता है और इसके द्वारा ठोस पदार्थ की आग को बुझा सकते हैं और लिक्विड प्रकार की, यानी कि ए प्रकार की आग और बी प्रकार की आग, दोनों प्रकार की आग को फोम टाइप एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर ब्लू कलर का होता है और इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर से ए, बी, सी और डी समस्त प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। इसका प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए, समस्त प्रकार की आग को बुझाने में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे ठोस पदार्थों से लगी हुई आग को भी इसके द्वारा बुझा सकते हैं, लिक्विड के द्वारा लगी हुई आग को भी इस ड्राई पाउडर के द्वारा बुझा सकते हैं, गैसेस से लगी हुई आग को भी इसके द्वारा बुझा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को भी इसके द्वारा बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर या CO2 प्रकार का एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर ब्लैक कलर के होते हैं और इसके द्वारा जो है लिक्विड प्रकार की आग और इलेक्ट्रिसिटी प्रकार की आग को ही बुझाया जा सकता है। यानी कि CO2 प्रकार का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार की, बी और डी प्रकार की आग को ही बुझा सकते हैं। धन्यवाद।